मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने आज का सभी संगठनात्मक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सीएम बघेल और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव राहुल गांधी मामले में अंबेडकर चौक में आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शन में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव भी शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज तो ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे थे, भूल चलो कार्यक्रम था दक्षिण में, लेकिन अब उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। एक दो दिन के बाद कल तो हम लोग समझा जाएंगे महाराज साहब के साथ। तो आज धरना कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव जी, महाराज अगर चंदन यादव जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय वरिष्ठ नेता सत्तू भैया, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती वर्मा जी, भाई अरुण वोरा जी और हमारे अंकल विजय जी, भाई सुशील जी, हमारे सांसद और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदेव नेताम जी, भाई एजाज देवर जी, भाई गिरीश दुबे जी और प्रमोद दुबे जी पीछे बैठे हैं, बहुत सारे गंगा दीदी भी है, नीता बहन भी है, सारे सब बहने पीछे बैठी हुई है, सबको सादर नमस्कार। और यकीन भी आगे बैठे हुए काफी आए हैं, सभी उपस्थित भाई बहनों साथियों और पत्रकार आखिर राहुल जी से ये भारतीय जनता पार्टी उसके नेता इतने डरते क्यों? राहुल जी अब तो सांसद भी नहीं है, उनके सांसदी भी छीन ली, वो शासकीय बंगला था उसको भी खाली करा दिया। एक आदमी से डर रहे हैं, एक आदमी उसने राहुल गांधी, यही हाल अंग्रेजों का था, वो भी एक ही आदमी से डरते थे, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी, दोनों में बड़ी समानता, वो भी फूट डालो राज करो और ये लोग भी फूट डालो राज करो, भाई भाई को लड़ने का काम वो भी करते थे, ये भी करते थे, और इसीलिए ये डरे हुए लोग सच का सामना नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी सच्चाई की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं और इसलिए डरते हैं। लोकसभा में लोकसभा बोलने नहीं देते, आखिर लोकसभा में राहुल जी का भाषण आप सुना, सबसे ज्यादा उनका भाषण वायरल हुआ जब उन्होंने राफेल के बारे में प्रश्न किया था, अनिल अंबानी के बारे में प्रश्न किया था, उन्होंने अडानी के बारे में प्रश्न किया था, उन्होंने तीन काले कानून के बारे में प्रश्न किया था, किसानों का मुद्दा उन्होंने उठाया था, गरीबों का मुद्दा उठाया था उन्होंने, इनको जवाब देते नहीं बन रहा, जवाब देते नहीं बन रहा, उनको बोलने नहीं दे रहे थे। राहुल जी सड़कों को उतर गए, जनता के बीच चले गए। अभी सब साथियों ने बताया हजारों किलोमीटर पदयात्रा उन्होंने की, ये मेरा सौभाग्य है कि जब कन्याकुमारी में जहां झंडा से थमाया गया, उसमें जहां वहां के मुख्यमंत्री कालीन हमारे वरिष्ठ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तीसरे में मैं भी था जो उनको झंडा थमाया राहुल जी का, और वहां से पद यात्रा जो शुरू की और जाके लाल चौक कश्मीर में समाप्त हुआ। कोई उम्मीद नहीं कर पा रहा था कि राहुल जी चल भी पाएंगे,
लेकिन राहुल जी का आत्मविश्वास करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान के बुराए और सच उनके साथ था, लगातार चलते रहे और कारवा बनता गया। लोग तो कहते थे कि ये तो केरल है, यहाँ तो भीड़ तो हो ही जाएगी, कर्नाटक यहाँ तो ठीक ठाक है, दक्षिण भारत जब हिंदी भाषी देश में पहुंचेंगे तब देखेंगे। महाराष्ट्र भी निकला, मध्य प्रदेश भी निकल गए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जहां गए कश्मीर। आज यदि कश्मीर में सर्वाधिक लोकप्रिय कोई नेता है, एक व्यक्ति कोई है, तो राहुल गांधी जी है। उन्होंने कहा था देखते हैं कि बम किधर से आता है, तो उसने रोल दिया था, बोले मैं तो रुकूंगा नहीं, चलो मैं लेकिन देखता हूं। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले को निपटाने के लिए किसके हाथ से बम हाथ में आता है, किधर से चलता है, मैं देखना चाहता हूं। और आदरणीय साथियों, पूरी ताकत जम्मू कश्मीर के सरकार की ताकत रोक ली, लेकिन राहुल जी रुके नहीं। लाल चौक में झंडा उन्होंने फहराया और आसमान से, उस समय नहीं था बर्फबारी का, आसमान से बरसा हुआ बर्फ पूरी, बहुत सारे साथी हम सबके वहां, जनता भी साथ है, ऊपर वाले भी राहुल जी के साथ है। तुम तो कितने भी प्रमाण कर लो, कितने भी प्रताड़ित कर लो, लेकिन राहुल जी न झुकेंगे न रुकेंगे। बहुत विस्तार से महाराज साहब ने जो न्यायिक घटना है, किस कारण से ऐसा किया गया है, उसके बारे में बताया। मोदी जी के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, आखिर नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसे, संदेशरा, ये सब लोग लूट लूट के भाग गए, हजारों करोड़ रुपया आप सबके नोटबंदी में पैसा जमा किया और ये लोग लूट लूट के भागते रहे, आज तक के वापस आए नहीं। तो सवाल पूछना प्रजातंत्र में विपक्ष का अधिकार है, इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज देश नहीं दुनिया में, अमेरिका गए थे राहुल जी, उसको रोकने की कोशिश, उसको वीजा नहीं दे रहे थे, आखिरी समय उनको वीजा मिला, गए अमेरिका, अमेरिका गए तो जो सवाल जवाब हुए जनता के बीच में, आप पूरी दुनिया ने देखा है। और वहीं प्रधानमंत्री जी गए तो बोले पत्रकारों को, बोले कि दो सवाल पूछना, एक ही सवाल पूछ पाए थे। हालांकि हिंदुस्तान में आज तक के कभी 9 साल में एक बार ही पत्रकार वार्ता उन्होंने ले ली, एक सवाल पूछे हमारे प्रधानमंत्री जी अगल बगल झांकने लगे, ये स्थिति। तो आज राहुल जी के साथ जितना उसे दबाने की कोशिश करेंगे, जितना रोकने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है और करोड़ों करोड़ जनता है वो राहुल जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, क्योंकि राहुल जी गरीबों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, वो जनता की बात करते हैं, और यही बात तो पसंद नहीं है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं है, और इसी कारण से रोकने की कोशिश हो रही है। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, हम विरोध करते हैं इस बात का, और अंतिम लड़ाई, अंतिम जीत सत्य की होगी, इस बात पे हम लोग विश्वास करते हैं, और राहुल जी के साथ हम लोग, उनके पीछे करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानी, करोड़ों करोड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं। और जैसा कि अभी हमारे यादव जी ने नारा लगाया कि लड़ेंगे, तो इसमें हमको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आदरणीय साथियों, 2023 के भी चुनाव विधानसभा का है, जैसे हिमाचल प्रदेश जीते, जैसे कर्नाटक जीते, वैसे ये 5 राज्य और होने वाले हैं, उसको भी जीतेंगे, और लोकसभा भारी बहुमत से राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़ी संख्या में आए, 5 नोटिस में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस।
लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।